स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड, स्टूडेंट्स चैप्टर 8 हाउसेज वी लिव इन में मैं आपको बुक में चैप्टर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और उसका बुक वर्क भी आपको कराया जा चुका है। तो बच्चों चलिए अब हम इस टर्न पर चैप्टर 8 की कॉपी वर्क स्टार्ट करेंगे। बच्चों जो जिस डेट में वर्क भेजा जाएगा आपको डेट उसी दिन की डालनी है, ये वाली डेट आपको मेंशन नहीं करनी है। जब भी आप वर्क करना शुरू करेंगे यहाँ पर डेट डालेंगे, फिर चैप्टर नंबर और यहाँ पर चैप्टर का नेम, ठीक है। बच्चों मैंने इस चैप्टर में आपको बताया था कि हमारे लिए घर उतना ही आवश्यक होता है जितना कि हमारे लिए भोजन और कपड़ा होता है ना, और हम घर के बिना भी नहीं रह सकते हैं। बच्चों जो लोग घरों के बिना रहते हैं वो बड़े परेशान रहते हैं, उनको सर्दी गर्मी बरसात में बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो जिस प्रकार हमारी भोजन की और पानी की एयर की नीड होती है, उसी प्रकार हमारी हाउस की भी नीड होती है। तो चलिए अब हम इसमें फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वेरी शॉर्ट। देखिए वेरी शॉर्ट में देखते हैं। नेम टू टाइप्स ऑफ हाउसेज, दो तरह के घर मैंने आपको बताए थे, एक तो टेम्परेरी हाउस जिनको हम इधर से उधर कर सकते हैं और एक स्पेशल हाउसेज, ठीक है। टेम्परेरी हाउस में भी मैंने आपको तीन प्रकार के बताए थे और स्पेशल हाउस में मैंने आपको तीन प्रकार के बताए थे, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगी। नेम टू टाइप्स ऑफ टेम्परेरी हाउस, देखिए अब यहाँ पर टेम्परेरी हाउस के दो प्रकार बताने हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। तो टेम्परेरी हाउस में मैंने आपको एक तो हाउस बोट बताया था बच्चों, टेंट बताया था और व्हील कैरावान्स बताया था। अब आपकी चॉइस है बच्चों, यहाँ पे आप व्हील कैरावान्स भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टू टाइप पूछा तो आपको ये दोनों लिखने, अगर थ्री टाइप पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर व्हील कैरावान्स भी लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, नेम टू टाइप्स ऑफ स्पेशल हाउसेज। अब स्पेशल हाउसेज में भी मैंने आपको तीन बताए थे, इग्लू बताया था, स्ट्रेट हाउस और हाउसेज विद स्लांटिंग रूफ्स। तो ये आपकी इच्छा है बच्चों आप कौन से लिखें, यहाँ पर मैंने इग्लू लिखे हैं और स्ट्रेट हाउसेज लिखे हैं। अगर तीन पूछे जाएंगे तो आपको तीसरा भी लिखना होगा, और तीसरा कौन सा है, हाउसेज विद स्लांटिंग रूफ्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर इग्लूज, इग्लूज क्या होते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था जिस एरिया में बर्फ बहुत अधिक पड़ती है तो उस एरिया में बर्फ के घर बनाए जाते हैं। ऐसे घरों को हम, ऐसे जगहों को हम क्या कहते हैं, ऐसे घरों में, ऐसे जगह पर बने हुए घरों को हम इग्लूज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर टेंट्स, टेंट्स क्या बताए थे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो कैंपर्स लोग होते हैं, जो कैंप लगाते हैं, तो वो एक कपड़े का टेंट लगा लेते हैं। तो वो जो कपड़ों का टेंट लगा हुआ होता है वो ही क्या कहलाता है बच्चों, जो कपड़े का बना हुआ हाउस होता है, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया भी गया था बुक में, उसे ही हम टेंट बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन पर आ जाइए यहाँ पर, व्हाट आर टेम्परेरी हाउसेज, टेम्परेरी हाउसेज क्या हैं, क्या होते हैं। सम हाउसेज कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ घर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाए जा सकते हैं, सच हाउसेज आर कॉल्ड टेम्परेरी हाउसेज, ऐसे घरों को टेम्परेरी हाउस कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाई डू वी नीड ए हाउस, हमें घर की जरूरत क्यों है। वी नीड ए हाउस टू लिव इन, उसमें रहने के लिए हमें घर की जरूरत है। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, बैड वेदर, बैड एनिमल्स एंड थीव्स, हमारे किस किस से रक्षा करता है, बारिश से, आंधी से, तूफान से, सर्दी से, गर्मी से, है ना, बुरे मौसम से, और जो जंगली पशु होते हैं और जो चोर होते हैं उनसे भी हमारी रक्षा की जाती है। तो बच्चों आई थिंक आपको ये कॉपी वर्क समझ में आ गया होगा। जब भी मैं आपको कॉपी वर्क भेजूंगी आपको कॉपी में साथ साथ वर्क करना है, बच्चों इसको लर्न भी करते हुए चलेंगे, और जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो बुक्स भी परचेज़ कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।